वहीं बुरहानपुर जिले में इन दिनों शराब ठेकेदार सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। शराब को एमआरपी से अधिक दामों में बेच रहे हैं, साथ ही अधिक दामों का बिल भी बनाकर दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। इस मामले की शिकायत आबकारी विभाग से की गई, बावजूद इसके विभाग शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। बता दें कि जिले में 1 अप्रैल से नए ठेके शुरू हुए हैं। नियम से सभी शराब दुकानों पर नए वित्तीय वर्ष में बनी शराब बेची जाना है और शासन के नियमानुसार ही निर्धारित दर पर शराब बेचनी है, लेकिन यहाँ पुराने स्टॉक को खपाया जा रहा है, वो भी नए वित्तीय वर्ष में जारी हुई रेट लिस्ट के अनुसार पैसे वसूले जा रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में शराब के दाम्स में 5 से 10% की वृद्धि हुई है। हम लोग उस दिन शराब दुकान पे गए थे, आबकारी अधिनियम 1915 ये कहता है कि एमआरपी और एमएसपी के ऊपर कोई शराब बिक्री हो नहीं सकती है। हम लोगों ने उस दिन देखा कि शराब तो एमआरपी और एमएसपी से कम में बिक रही है, विस्की और बियर एमआरपी के ऊपर बिक रही है, जहाँ तक कि वो तो उपभोक्ताओं का पूरा हनन ही हो रहा है कि एमआरपी के ऊपर ये लोग शराब और ये अपने बियर कैसे बेच रहे हैं। उस मामले के अंदर हमने शिकायत भी दर्ज करी, ठाकर जी है जो डीओ साहब उनको बोला तो उनका भी कहना यही आया कि बोले एमआरपी के ऊपर हम लोग नए एक्ट के अंदर शराब बेच सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बेच सकते। एमएसपी और एमआरपी निर्धारित है, उसी में या तो एमएसपी पे या उसके मध्य में या एमआरपी पे बेच सकते हैं। एक दो लोगों ने और अभी एक शिकायत की है, मैं आपको भी मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दूं। क्या होता है कि कुछ पुराना स्टॉक था तो उस पर रेट का वो आ रहा है कि 2-5-10 रुपये का अंतर देखने को मिल रहा है, उसको उनको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा में बेच रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जब 31 मार्च का जो स्टॉक बचता है और कुछ हमारे जो वेयर हाउस पे जो स्टॉक रहता है उसको भी अलाउ करते हैं बेचने के लिए, और जो ड्यूटी बढ़ती है उस ड्यूटी का हम डिफरेंस वसूल लेते हैं उन लोगों से, तो वो वसूलने के बाद वो 10 रुपये महंगी है, तो मतलब आपको महंगी लग रही है, उसकी निर्धारित रेट जो है 10 रुपये बढ़ गई।